कोरोना के चलते जहां एक ओर देश भर में शहरों से मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, उन्हें गांव में ही रोजगार देने के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में हाल उल्टे हैं। यहां रोजी रोटी का कोई साधन न होने से मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिले से मजदूरों का रोजगार की तलाश में महानगरों के लिए पलायन शुरू हो चुका है। इन मजदूरों को मनरेगा समेत दूसरी योजनाओं से रोजगार देने के सारे दावे झूठे निकले हैं। जिले में मजदूरों की भलाई के लिए काम कर रहे एनजीओ मजदूरों के पलायन के लिए प्रशासन को दोषी करार दे रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि अब मजदूरों के पलायन की बात सरकार तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे मिला नहीं है, गरीब आदमी हम लोग, यहाँ पे करेंगे क्या? हम जा रहे हैं गाजियाबाद। अच्छा, काम करने। कई योजना शासन की चल रही है जिसमें आप लोगों के लिए घर में रहकर ही मजदूरी मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, अब 4 महीना है जैसे हमको आए बाहर से, यहाँ कोई काम ही नहीं है। दो चार दिन हो जाएंगे हम। शासन प्रशासन की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, कुछ नहीं मिलती भैया। यहाँ काम लग नहीं रहा है ना, कोई कहीं लग रहा तो जाएंगे अपना पेट तो पालेंगे। नैना से दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? मजदूरी करने जा रहे हैं। कोई काम है नहीं तो जा रहे हैं बाहर काम करने। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ कार्य हुए? 4 महीना हुआ है कुछ कार्य हुए। जिस आशा से मजदूर वापस अपने गांव लौटे थे और सरकार ने जो घोषणाएं की थी मनरेगा से या अन्य माध्यमों से उन्हें रोजगार के अवसर देने के, आय सृजित करने के, शायद वो उतने कारगर नहीं हो पाए कि उनकी आय सुनिश्चित कर सके और मजदूर इसी रोजगार के अवसर को ढूंढने फिर महानगरों की ओर जा रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि जिला पंचायत सीईओ के तौर पर, जिला पंचायत सीईओ या अन्य अधिकारी जो मनरेगा के हैं, उनका रवैया उदासीन है और वो मुझे नहीं लगता किसी भी योजनाओं का को गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं तो अगर आज पलायन हो रहा है तो ये सरकार की जवाबदारी, प्रशासन की जवाबदारी, लोकल प्रशासन की, कि पलायन ना हो पाए।